दोस्तों गूगल कीबोर्ड यानी कि जीबोर्ड आजकल सभी स्मार्टफोन्स में पहले से ही इनबिल्ट होता है, और अगर आप एंड्रॉयड का लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप जीबोर्ड का यूज़ करते होंगे मैसेज भेजने के लिए, व्हाट्सएप चैटिंग के लिए, या फिर अपने फ़ोन में कुछ भी सर्च करने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों अपने फ़ोन में आप जीबोर्ड के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जीबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं और जीबोर्ड की सभी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जीबोर्ड की सभी ए टू जेड सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। सो अगर आप जीबोर्ड यूज़ करते हैं और जीबोर्ड की ऑल सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने फ़ोन की जीबोर्ड सेटिंग्स पेज को आप जैसे ही ओपन करेंगे, इस तरह से आपके सामने गूगल जीबोर्ड की अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो जैसे कि आप यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, लैंग्वेज, तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जीबोर्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। यहां पर जितने भी लैंग्वेजेस को आप ऐड कर चुके होंगे उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐड कीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी बहुत सी लैंग्वेजेस को अपने जीबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक लिस्ट में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस शो हो जाएंगी, तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके उसे अपने जीबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर में ये पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप सभी डाउनलोडेड लैंग्वेजेस का प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज कीबोर्ड ऑप्शन के सामने इस आइकन पर टच होल्ड करते हुए इस तरह से उसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का जो सीक्वेंस है उसे चेंज कर सकते हैं। जीबोर्ड में स्पेस की के लेफ्ट हैंड साइड में एक लैंग्वेज स्विच की होती है, जिस पर क्लिक करके आप एक लैंग्वेज से दूसरे में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस ऑर्डर में आप इन सभी डाउनलोडेड लैंग्वेजेस को सेट करेंगे, लैंग्वेज स्विच की प्रेस करने पर उसी सीक्वेंस में जीबोर्ड में लैंग्वेजेस चेंज होंगी। इसके अलावा दोस्तों इस तरह से किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप टॉप राइट कॉर्नर में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके उस लैंग्वेज को डिलीट कर सकते हैं। और अब अगर आप यहां पर किसी भी लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अलग अलग कीबोर्ड टाइप्स आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहां पर बाय डिफ़ॉल्ट क्वेटी कीबोर्ड सिलेक्टेड रहता है, लेकिन यहां पर और भी कीबोर्ड टाइप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हैंडराइटिंग, क्वेड्स, पीसी या फिर और भी अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड, जिन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जीबोर्ड को इन सभी अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड में स्विच कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जीबोर्ड की प्रेफरेंस सेट करने के अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, नंबर रो, तो गाइज ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, जिससे कि जीबोर्ड के अल्फा कीज के टॉप साइड में नंबर कीज वाली रो शो नहीं होती है। अगर आप नंबर रो के इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपके जीबोर्ड में टॉप साइड में इस तरह से नंबर वाली रो आ जाएगी। फिर आप अल्फा कीज़ के साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शो इमोजी स्विच की का ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है और शो लैंग्वेज स्विच की का ये ऑप्शन इनेबल रहता है, जिससे कि आपके जीबोर्ड में स्पेस की के लेफ्ट साइड में लैंग्वेज स्विच की इनेबल रहती है, जिस पर क्लिक करके आप इस तरह से अपने जीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, किसी भी दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेटिंग में शो इमोजी स्विच की के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो शो लैंग्वेज स्विच की का ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, जिसके बाद जीबोर्ड में लैंग्वेज स्विच की जगह पर इस तरह से इमोजी स्विच की ऐड हो जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप इस तरह से अपने इमोजी या फिर स्टिकर सेक्शन में पहुंच जाएंगे और फिर यहां से अलग अलग इमोजी, स्टिकर या फिर जिप फाइल्स का यूज़ आप अपने जीबोर्ड पर कर पाएंगे। अब अगर आपको लैंग्वेज स्विच की को वापस अपने कीबोर्ड में ऐड करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको फिर से डिसेबल कर देना है, जिसके बाद कीबोर्ड में इमोजी की जगह पर वापस लैंग्वेज स्विच की ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शो इमोजीज इन सिंबल्स कीबोर्ड, तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके जीबोर्ड के सिंबल सेक्शन में रिसेंटली यूज्ड इमोजीज की स्ट्रिप आपको इस तरह से शो होगी, जिस पर क्लिक करके आप सिंबल कीबोर्ड में अलग अलग सिंबल्स के साथ साथ रिसेंटली यूज्ड इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों लेआउट के सेक्शन में आप वन हैंडेड मोड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, जिसमें राइट हैंडेड मोड ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो जीबोर्ड है वो इस तरह से आपको राइट हैंड साइड में शो होगा और आप अपने राइट हैंड से इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कीबोर्ड को सेट करना है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड मोड के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जिसके बाद इस तरह से आपका कीबोर्ड लेफ्ट हैंड साइड में सेट हो जाएगा। अब अगर आपको नॉर्मल मोड में कीबोर्ड चाहिए तो यहाँ पर ऑफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड हाइट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कीबोर्ड की हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि नॉर्मल हाइट में कीबोर्ड सेट रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके कीबोर्ड की जो हाइट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक्स्ट्रा टॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो कीबोर्ड की हाइट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अलग अलग हाइट्स को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इमोजी स्टिकर्स। तो गाइज इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप अपने जीबोर्ड के इमोजी सेक्शन में किसी भी इमोजी को सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड स्टिकर्स आपको इस तरह से यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इमोजी फास्ट एक्सेस रो। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो व्हाट्सएप या अदर सोशल मीडिया साइट के कीबोर्ड के टॉप साइड में आपको इस तरह से जो पॉपुलर इमोजीज है वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका यूज़ आप कुछ भी टाइप करते समय इंस्टेंटली कर सकते हैं। अगर आपको पॉपुलर इमोजीज की सजेशंस अपने कीबोर्ड में नहीं चाहिए तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है की प्रेस। तो इसमें साउंड ऑन की प्रेस के इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप जीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका टाइपिंग का साउंड आपको सुनाई देगा, और वॉल्यूम ऑन की प्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कीबोर्ड का जो टैपिंग साउंड है उसे घटा बढ़ा सकते हैं, फुल सेट कर सकते हैं या फिर म्यूट भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस का ये ऑप्शन इनेबल है तो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी की को प्रेस करने पर जो वाइब्रेशन होती है उसकी स्ट्रेंथ को इस तरह से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं और वापस डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों पॉपअप ऑन की प्रेस का ये ऑप्शन इनेबल है तो आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे उसका पॉपअप इस तरह से आपको शो होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की है। लेकिन अगर आप पॉपअप ऑन की प्रेस के ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो जो कुछ भी आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे, जिस किसी की को प्रेस करेंगे, उसका कोई भी पॉपअप आपको शो नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके कीबोर्ड में अलग अलग सिंबल्स भी शो होने स्टार्ट हो जाएंगे और किसी भी की पर आप इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उस की से अटैच्ड सिंबल्स आपके सामने आ जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप उन्हें टाइपिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग कीज़ में लॉन्ग प्रेस करने पर आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देंगे। इसके बाद की लॉन्ग प्रेस डिले ऑप्शन पर क्लिक करके आप की लॉन्ग प्रेस डिले टाइम सेट कर सकते हैं। कितने मिली सेकेंड तक लॉन्ग प्रेस करने पर किसी की में सिंबल पॉपअप ओपन होगा उसे आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेटिंग यहां पर कंप्लीट होती है। आई होप यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है थीम। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जीबोर्ड की अलग अलग थीम्स आ जाएंगी। तो गाइज यहां पर बाय डिफॉल्ट गूगल जीबोर्ड की डिफ़ॉल्ट थीम सिलेक्टेड रहती है, जिससे कि नॉर्मल जीबोर्ड आपको शो होता है। लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं और अपने जीबोर्ड पर कोई अलग थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी थीम पर क्लिक करना है, जिसके बाद उस थीम का प्रीव्यू आपके सामने शो हो जाएगा। तो गाइज इस थीम को आप अपने जीबोर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले यहां पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं की बॉर्डर्स। तो गाइज ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि कीबोर्ड में हर एक की के चारों तरफ बॉर्डर लाइन होती है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो की बॉर्डर लाइन हाइड हो जाएगी। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। फाइनली इस थीम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपके कीबोर्ड की थीम चेंज हो जाएगी और नए लुक में अब आपको अपना कीबोर्ड शो होगा। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग
अपने जी बोर्ड के लिए कोई भी न्यू थीम चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके और भी अलग अलग टाइप्स की थीम्स को देख सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी मोबाइल गैलरी से कीबोर्ड की थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपको माय थीम्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस वहां से आप कोई भी फोटो सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको और भी अलग अलग टाइप्स की थीम्स मिल जाएंगी। तो गाइस इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जीबोर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। थीम के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट करेक्शन। तो गाइस इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने कीबोर्ड में टेक्स्ट करेक्शन के अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, शो सजेशन स्ट्रिप। तो गाइस ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आप अपने कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड वर्ड की सजेशन इस तरह से आपको कीबोर्ड के टॉप साइड में एक स्ट्रिप में शो होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाव के बाद वाई टाइप किया है तो यहाँ पर पूरा वर्ड यानी कि यू मुझे सजेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो कुछ भी आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड वर्ड जीबोर्ड आपको सजेस्ट करेगा। इसके साथ ही इस वर्ड के बाद आपको कौन सा नेक्स्ट वर्ड लिखना है इसकी सजेशन भी आपको जीबोर्ड देगा, क्योंकि शो सजेशन स्ट्रिप ऑप्शन अगर इनेबल है तो न्यू वर्ड सजेशंस ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल रहता है, जो आपके टाइप के वर्ड्स को ट्रैक करता है। और अभी आप जो कोई वर्ड भी टाइप कर रहे हैं, इससे पहले उस वर्ड के बाद आपने कौन सा नेक्स्ट वर्ड टाइप किया था ये जीबोर्ड को याद रहता है और उसी की सजेशन आपको सजेशन वाली पट्टी में शो होती है कि अब आपको ये वाला वर्ड लिखना है। यहाँ पर अगर आप शो सजेशन स्ट्रिप ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो उसके साथ ही शो वर्ड सजेशंस ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको दोनों ही ऑप्शंस का यूज़ करना है तो शो सजेशन स्ट्रिप ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स ऑप्शन भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि सजेशन स्ट्रिप में आपको ऑफेंसिव वर्ड्स यानी कि जो गलत कंटेंट है वो शो नहीं होते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को आपको इनेबल ही रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो इमोजी सजेशंस। तो गाइज इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप अपने जीबोर्ड में जो भी वर्ड टाइप करेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई इमोजी हुआ तो वो भी आपको सजेशन में शो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं और उसमें मैसेज बार में आप टाइप करते हैं स्माइल, तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्माइल से रिलेटेड जितने भी इमोजीज हैं वो सजेशन में आपको शो हो जाएंगे, फिर आप इनका चैटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर शो स्टिकर सजेशंस ऑप्शन इनेबल है, तो आप जो कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड कोई स्टिकर हुआ तो वो भी आपको सजेशन में शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सजेस्ट कॉन्टैक्ट्स। तो गाइज इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको टाइपिंग के दौरान सजेस्ट की जाएगी। इसके बाद करेक्शन सेक्शन में आप ऑटो करेक्शन का ये ऑप्शन देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और ऐसे में अगर आप किसी वर्ड की कोई गलत स्पेलिंग टाइप कर देते हैं तो कीबोर्ड के टॉप साइड में जो स्ट्रिप है उसमें आपको सही स्पेलिंग वाले वर्ड की सजेशन मिल जाएगी, जिसे सेलेक्ट करके आप टाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अनडू ऑटो करेक्ट ऑन बैक स्पेस। तो गाइज इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद आप कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो उसकी सजेशन आपको शो होगी, लेकिन अगर आप बैक स्पेस से उस वर्ड में कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं तो ओरिजिनल कैरेक्टर्स आपको सजेशन पट्टी में शो होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन। तो गाइज इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो टाइप करने के दौरान जितने भी पंक्चुएशंस आप यूज़ करेंगे यानी कि जितने भी डॉट कोमा या फिर सेमीकोलन आदि टाइप करेंगे उस पंक्चुएशन के बाद ऑटोमेटिकली स्पेस लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी वर्ड के बाद जैसे मैं कोई कोमा या फिर डॉट टाइप कर रहा हूँ तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेस लग जा रहा है। इसी तरह से अगर आप ऑटो स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन ऑप्शन को इनेबल रखेंगे तो कोई भी पंक्चुएशन टाइप करने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेस लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी ये फीचर सिर्फ जीबोर्ड के US इंग्लिश लैंग्वेज में ही सपोर्ट करता है, अदर लैंग्वेजेस में आपको ये फीचर काम करते हुए शो नहीं होगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पर आप ऑटो कैपिटलाइजेशन ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो जब भी आप कोई सेंटेंस टाइप करेंगे और फर्स्ट वर्ड टाइप करने के बाद स्पेस देकर नेक्स्ट वर्ड टाइप करेंगे तो उसका पहला कैरेक्टर
कैपिटल लेटर में हो जाएगा, यानी कि टाइपिंग करते समय किसी भी वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो अपर केस में होगा और बाकी सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में टाइप होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डबल स्पेस फुल स्टॉप। तो ये ऑप्शन अगर इस तरह से इनेबल है तो जब भी आप टाइपिंग के दौरान बीच में डबल स्पेस देंगे तो इस तरह से टाइपिंग के बीच में फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो डॉट लगेगा, और अगर आप हिंदी कीबोर्ड का यूज़ करते हुए डबल स्पेस देते हैं तो इस तरह से जो हिंदी में फुल स्टॉप होता है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन है यहाँ पर स्पेलिंग। तो इसमें स्पेल चेक के इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस लिखते टाइम अगर किसी वर्ड में किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो उस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन लग जाएगी, यानी कि वो वर्ड रेड मार्क हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस टाइप करने के बाद उसके बीच में रॉन्ग स्पेलिंग वाले वर्ड्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों टेक्स्ट करेक्शन सेटिंग के सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसे बैक कर लेते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फीचर ग्लाइड टाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों ग्लाइड टाइपिंग फीचर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं इनेबल ग्लाइड टाइपिंग, तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि आप ग्लाइड टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि जी बोर्ड में अलग अलग कीज़ के ऊपर स्लाइड करते हुए आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हाउ टाइप करना है तो इस तरह से आपको एच ओ डब्ल्यू के ऊपर टच करते हुए स्लाइड करना है जिसके बाद हाउ टाइप हो जाएगा। इसी तरह से आप कीबोर्ड के ऊपर स्लाइडिंग करते हुए अलग अलग वर्ड्स या फिर सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर स्लाइडिंग करते जाएंगे इस तरह से आपको स्लाइडिंग का जो जेस्टर ट्रेल है वो शो होता रहेगा। अगर आप शो जेस्टर ट्रेल ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो कीबोर्ड में स्लाइडिंग की लाइन जो शो होती है वो शो होना बंद हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद इनेबल जेस्टर डिलीट का ये ऑप्शन अगर इनेबल है तो स्लाइडिंग करते हुए कोई भी वर्ड टाइप करने के बाद आप लेफ्ट स्लाइडिंग करके उस वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल जेस्टर कर्सर कंट्रोल। तो गाइज ये ऑप्शन अगर इस तरह से इनेबल है तो स्लाइडिंग करते हुए आप जो भी सेंटेंस टाइप करेंगे और उसके बाद स्पेस की में आप लेफ्ट राइट की तरफ स्लाइड करेंगे तो जो सेंटेंस आपने टाइप किया है उसमें कर्सर भी लेफ्ट राइट की तरफ मूव होगा, यानी कि आप स्पेस की के ऊपर स्लाइड करते हुए पहले वर्ड में पहुंच सकते हैं और उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी वर्ड्स आपने टाइप किया है उनमें आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्लाइड टाइपिंग फीचर के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फीचर वॉइस टाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों वॉइस टाइपिंग ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइज यहाँ पर यूज़ वॉइस टाइपिंग का ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि कीबोर्ड में आपको माइक का आइकन भी मिलता है जिस पर क्लिक करके आप जो कुछ भी बोलेंगे वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हेलो हेलो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने बोला वो यहाँ पर टाइप हो गया है। इसी तरह से आप भी कोई भी मैसेज बोलकर उसे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप वॉइस कंट्रीब्यूशंस के इस ऑप्शन को इनेबल करके अपने रिकॉर्ड किए गए वॉइस मैसेजेस को गूगल को सेंड कर सकते हैं और गूगल की वॉइस सर्विस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो जितनी भी वॉइस टाइपिंग आप करेंगे वो गूगल को सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दीजिए। वॉइस टाइपिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑन रहता है जिससे कि जीबोर्ड के सजेशन बार में आपको रिसेंटली कॉपी किया हुआ वर्ड या सेंटेंस इस तरह से शो होता है जिसका यूज़ आप टाइपिंग में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डिक्शनरी। तो गाइस डिक्शनरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी पर्सनल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी वर्ड सेंटेंस या पैराग्राफ का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और उसे टाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिक्शनरी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद जितने भी लैंग्वेजेस आप कीबोर्ड पर यूज़ करते हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप ऑल लैंग्वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्लस के इस आइकन पर क्लिक करना है।
जिसके बाद इस तरह से आपके सामने शॉर्टकट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको टाइप अ वर्ड के फील्ड में इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कोई वर्ड या सेंटेंस इस तरह से टाइप करना है। अब अगर आप इस सेंटेंस का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको शॉर्टकट के फील्ड में अपने अकॉर्डिंग 2-3 कैरेक्टर या फिर कोई वर्ड टाइप करना है और फिर बैक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स टॉप साइड में आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कितने भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने हाउ आर यू के लिए HAY शॉर्टकट दिया है, तो अब अगर मैं जीबोर्ड पर HAY टाइप करता हूं तो आप देख सकते हैं सजेशन बार में इस तरह से हाउ आर यू मैसेज आ गया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके टाइपिंग में इसका यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से आप जीबोर्ड के डिक्शनरी फीचर का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च। तो गाइज सर्च ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने प्रिडिक्टिव कंटेंट सर्च का ऑप्शन आएगा। तो गाइज ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि कुछ एप्लीकेशंस में आप मैसेज बार में किसी स्टिकर इमोजी या जिफ का नाम लिखेंगे तो वो आपके सामने शो हो जाएंगे, जिनका यूज आप मैसेज में कर सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम ऐप में आप मैसेज बार में कोई इमोशंस टाइप करेंगे तो इस तरह से उनसे रिलेटेड इमोजीज आ जाते हैं। इसी तरह से अदर एप्लीकेशन जो प्रिडिक्टिव कंटेंट सर्च को सपोर्ट करती हैं उनमें आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शेयर जीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अलग अलग सोशल साइट्स पर अपने फ्रेंड्स के साथ जीबोर्ड को शेयर कर सकते हैं। साथ ही जो लैंग्वेजेस आप जीबोर्ड पर यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से जीबोर्ड के एडवांस फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शेयर यूसेज स्टैटिक्स। तो गाइज ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आपके जो जीबोर्ड यूसेज स्टैटिक्स हैं, कीबोर्ड पर आप जो कुछ भी टाइप करते हैं उनका स्टैटिक्स ऑटोमेटिकली गूगल को सेंड हो जाता है, जिनके थ्रू जीबोर्ड में इम्प्रूवमेंट होता है और आपको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इमोजी विद द फिजिकल कीबोर्ड। तो गाइज ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि कीबोर्ड में आपको एक इमोजी बटन भी मिलता है, जिस पर लॉन्ग प्रेस करके आप इमोजी कीबोर्ड में पहुंच सकते हैं और इमोजी कीबोर्ड में अल्फा ऑप्शन पर क्लिक करके वापस कीबोर्ड में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शो ऐप आइकन का ये ऑप्शन अगर डिसेबल है तो एप्लीकेशन सेक्शन में आपको जीबोर्ड ऐप शो नहीं होगी, और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपको जीबोर्ड ऐप शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस फीचर को ऑन करके रख सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑफ ही रहने दीजिए। इसके बाद लर्निंग सेक्शन में पर्सनलाइजेशन और इम्प्रूव वॉइस एंड टाइपिंग फॉर एवरीवन के ये दोनों ही ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि जीबोर्ड आपके यूसेज पैटर्न को आपकी परमिशन के बेस पर ट्रैक करता है और आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जो कुछ भी आप जीबोर्ड पर टाइप करते हैं या फिर वॉइस टाइपिंग करते हैं उसे जीबोर्ड लर्न कर लेता है, जिससे वो सजेशन में आपको शो करता है। यहाँ पर डिलीट लर्न वर्ड एंड डेटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टोटल वर्ड्स जो अब तक आप टाइप कर चुके हैं और जो जीबोर्ड की मेमोरी में है उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लास्ट ऑप्शन में, जो है रेटस। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाकर जीबोर्ड को रेटिंग दे सकते हैं, 2-3 स्टार या फिर 5 स्टार, जो भी रेटिंग आप जीबोर्ड को देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों जीबोर्ड की सभी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।